अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सी एस 401 फाइनल टर्म प्रिपरेशन 2022 सॉल्व शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ मैंने लिए हैं तो आपके काम आएंगी, ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ अबाउट यू नाउ टेम्पलेट फंक्शन? टेम्पलेट फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? उसी के बाद आप लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिया है, देख लीजिएगा। तो डीपली नहीं जाऊंगा, ना ही डीपली जाके बात करूंगा, क्योंकि फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन आप थोड़ी सी खुद भी कीजिएगा, क्योंकि डीपली जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशन। तो आप लोगों ने नेम्स ऑफ द थ्री नेम्स ऑपरेटर्स बताने हैं, यानी सर्कल के सॉरी जो कर्सल के। तो कर्सल के क्या हैं? टी फर्स्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी स्टेरिक्स बी ई वाई ओ एन डी, और नेक्स्ट क्या है? टी स्टेरिक नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने बताना है, इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बताने हैं, तो आप लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह से राइट दिस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 वर्चुअल इनहेरिटेंस, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, और शॉर्ट सा इसका क्वेश्चन है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी शॉर्ट सा। इन वर्चुअल इनहेरिटेंस के अंदर क्या करती हैं हम? कॉपी सिर्फ एक वन कॉपी होती है किसकी? बेस क्लास ऑब्जेक्ट्स की। ये आपने इसका आंसर बताना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा। इस तरह से आप लोगों ने कैन यू कंस्ट्रक्टर थ्रो एक्सप्लेनेशंस बता दें, इसकी कोई भी डिटेल बता दें, कोई भी चीज़ इसकी बता दें, तो किसकी? कंस्ट्रक्टर की। तो आप लोगों से वो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आप लोगों का डिफाइन आप लोगों ने करना है इनहेरिटेंस, और गिव इसकी एग्जांपल देनी है। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करके थोड़ी सी इसकी एग्जांपल आप जो है दे सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्टर क्या? कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को और क्लास को। क्या करता है ये? किस लिए यूज़ करता है? इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, क्लास को, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की मेमोरी के बारे में पूछा है, या सॉरी इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा पेपर में ये क्वेश्चंस जो हैं गर्दिश कर रहे थे, और मैंने ये उठाए और मैंने यूट्यूब के ऊपर लगा दिए, मैंने कहा चलें प्रिपरेशन में आप ले लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये 35 क्वेश्चन है, इसी तरह मैं स्क्रॉल डाउन भी करता जाऊँगा और बताता भी जाऊँगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी आप लोगों ने देखना, और इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों ने प्रिपरेशन में ले लेनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोगों का है, ये कंटेनर के बारे में है, और ये 3 तरह के कंटेनर होते हैं, सीक्वेंस वाले होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, और डॉप्टर होते हैं, कंटेनर डॉप्टर्स। तो ये आप लोगों ने अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में अच्छी तरह से लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपसे सिंटैक्स पूछ लेता है बिटवीन द टाइप्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशंस के। तो टेम्पलेट का पूछ लेता है और उसको किस तरह से करते हैं। तो आप देखें टेम्पलेट, ये लेस देन क्लास आइडेंटिफायर दोनों तरफ लगे हुए हैं, फंक्शंस एंड डिक्लेरेशंस। अगर दूसरी तरह से पूछे तो फिर टेम्पलेट टाइप नेम्स आइडेंटिफायर उसकी ब्रैकेट्स और फंक्शंस डिक्लेरेशंस, इसी तरह से इसके दोनों के यही जो हैं सॉल्यूशंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप रीड आउट करें तो 2 रीजन बतानी है आपने वर्चुअल मेथड के, ठीक है। तो उसकी 2 रीज़न क्या हैं वो आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो एडवांटेज आप देखने हैं, प्रोवाइड करने हैं सर्कल सर्कल के कर्सल के सॉरी 3 एडवांटेज का है वो आप लोग प्रोवाइड कर दीजिएगा।